14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुए चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था। इसके बाद चंद्रयान ने चांद पर करीब 14 दिन में कई अहम जानकारियां जुटाई। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाले LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का क्रायोजेनिक ऊपरी हिस्सा बुधवार को पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश कर गया। इसरो ने खुद ये जानकारी दी। सितंबर में स्लीप मोड में गए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब तक सक्रिय नहीं हो सके हैं। इसरो ने एक बयान में कहा, संभावित प्रभाव बिंदु का अनुमान उत्तरी प्रशांत महासागर के ऊपर लगाया गया है। अंतिम ग्राउंड ट्रैक भारत के ऊपर से नहीं गुजरा। इसरो ने बताया कि रॉकेट बॉडी LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का हिस्सा थी। यह अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार दोपहर 2:42 के आसपास पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया। साथ ही इसरो ने कहा कि रॉकेट बॉडी का पुनः प्रवेश इसके लॉन्च के 124 दिनों के भीतर हुआ। 2 सितंबर को स्लीप मोड में गए विक्रम लैंडर अब तक लंबी नींद में है। हालांकि इसरो भी लगातार कोशिश में है, लेकिन लैंडर और रोवर को अब तक दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। दरअसल लैंडर और रोवर को पृथ्वी के 14 दिनों के हिसाब से ही तैयार किया गया था। इसरो के वैज्ञानिक पहले ही साफ कर चुके थे कि अगर दोबारा दोनों सक्रिय होते हैं तो ये बोनस होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि विक्रम और प्रज्ञान जल्दी उठ खड़े हों। फिलहाल आपको क्या लगता है कि विक्रम और प्रज्ञान दोबारा जगेंगे या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।